काम पे हेरेसमेंट देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास थोसन को धमकी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास थोसन को धमकी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिमाहसो में यूसीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिमाहसो में यूसीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिमाहसो में यूसीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमएलए सीट बढ़ाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी लॉन्ग लिव, कांग्रेस पार्टी लॉन्ग लिव। दम देना बंद करो, दम देना बंद करो। आज हम लोग कांग्रेस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से एक धरना आयोजित किया है। एम मुद्दा रहा आपका, जैसा विकास थॉसन का जो हम लोग मीडिया में भी देखा है, उसका इंटिमिडेशन, ऐसा जो विटनेस प्राइम अपना हबीबुर रहमान केस का बारे में, तो वो चीज़ें जो उसको इंटिमिडेशन हो रहा है, तो FIR भी दिया हुआ है बोला। तो हम लोग को यही मांग है कि सरकार वो FIR जो फाइल हुआ उसको तुरंत वो केस उसका इन्वेस्टिगेशन करो, और ऐसा इंटिमिडेशन जो हो रहा है वो बंद करना होना चाहिए। और दूसरी बात है, गांव वाला लोग भी आए हैं, हम लोग को काफ़ी दिन से बोल रहा है कि कॉम्पेंसेशन जो यहाँ में हाल ही में हो रहा है, जो जेन्युइन जो के लोग है वो लोग नहीं मिल रहा है, और उसमें जिसका ज़मीन है उन वो नहीं मिल रहा है, जिसका ज़मीन नहीं उन लोग मिल रहा है, और ऐसा भी है कि जिसको बिल्कुल ही ज़मीन नहीं वो एक पार्टी के साथ जरूर ये मेंबर जो BJP का मेंबर होगा या उन लोग का कार्यकर्ता होगा उन लोग को फेवर में होता है, और जो माटी होने के बावजूद भी अगर उन लोग को पार्टी में समर्पण नहीं देता है तो उन लोग को कोई ये सब कंपनसेशंस में थोड़ा कम महत्व एक नॉमिनल पीनट्स एक हाँ वो रकम पैसा दे रहा है बोल रहे, तो ये सारा इनजस्टिस हो रहा है। जो राइट अमाउंट जो जेन्युइन जो है उस सारा चीज़ें देना होगा, नहीं तो फ्यूचर में अगर हम लोग भी देखेगा ये फ्यूचर में इंक्वायरी करेगा अगर ये सारा चीज़ें हुआ बोल के, तो क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेंट तो लिखा हुआ है, DC में भी दिया है बोल रहे। ये एक मुद्दा है। तीसरा हो गया जो PRC लेके, तो PRC लेके बहुत सारा हम लोग को लांगटिंग बोलो फॉरेस्ट जो विलेजेस है फॉरेस्ट एरियाज में, और हम लोग का उमरांगसू में जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है उन लोग को PRC नहीं मिल रहा है बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ होगा शायद विलेजेस, लेकिन हमारा यहाँ में टोंगिया बोल के एक सिस्टम है फॉरेस्ट विलेज डिब्रूचरा, वो प्रोबेबली परहैप्स द फर्स्ट विलेज होगा जो डिमासाओ में फॉरेस्ट विलेज जो डिक्लेयर हो के टोंगिया सिस्टम, उस हिसाब से उन लोग को PRC भी दिया जा रहा है। तो ये सारा सिस्टम से ये जितना अभी फिलहाल जो उमरांगसू एरिया बोलिए लांगटिंग एरिया जो फॉरेस्ट विलेजेस है जहाँ में सरकार ने ऑलरेडी स्कूल्स पब्लिक हेल्थ सेंटर्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करा हुआ है दिया हुआ है, ये सब सारा चीज इन लोग को थ्रो टोंगिया विलेज रिकॉग्नाइज देना ज़रूरी हो गया है ये। और दूसरी बात, यहाँ में हाल ही में सब सुन रहे हैं UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो 21st पार्लियामेंट्री कमेटी और लॉ कमीशन उन लोग को भी एक रिकमेंडेशन लिखा था, लेकिन हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं है कि शिक्षित एरियाज एंड ट्राइबल एरिया शुड बी लेफ्ट आउट। तो हम लोग का यही मांग है कि ये 22nd जो पार्लियामेंट्री कमेटी और लॉ कमीशन ये सारा सिविल सोसाइटी लोग के साथ भी बातचीत कीजिए कि क्योंकि बहुत सारा एम्बिग्विटीज है उसमें, फिलहाल ड्राफ्ट क्या है कोई पता नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है फ्रॉम कांग्रेस साइड, और बहुत सारा हम लोग को ऑलरेडी ट्राइबल स्टेट जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल स्टेट्स है ऑलरेडी हम लोग को कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सिक्स शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया स्टेट शुड बी लेफ्ट आउट और फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द ये UCC। तो ये सारा आज का धरना में ये मुद्दा उठाया हम लोग। और दूसरा बात है, यहाँ में हाल ही में देखने मिला कि बहुत सारा जो एग्जिस्टिंग पहले जो स्कूल था उन इन द नेम ऑफ मॉडल स्कूल बोल के शिफ्टिंग कराया, और वो सब स्कूल सभी सुनने में आया कि सब प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, तो ये कैसा होगा? तो ये सारा चीज़ इंक्वायरी होना है कि किस वजह से ये प्रॉपर्टी ये लोग हासिल किया है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट बोल के, लोग अपना अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी स्कूल्स अगर इसी तरह का ले जाएगा तो एक प्रेसिडेंट सेटअप हो जाएगा। कल फ्यूचर में कोई भी आएगा
अगर मनपसंद लग गया किसी स्कूल को या गवर्नमेंट ऑफिस को, तो शिफ्टिंग करके लोग इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट जाके एग्जिस्टिंग वाला को तोड़ के अपना प्रॉपर्टी बनाए देगा, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगा क्या? तो ये सारा चीज़ें हम लोग आज मुद्दा उठाया है और काफ़ी पब्लिक से भी हम लोग को आके मिल रहा है, देख रहा है, बोल रहा है कि ऐसा मुद्दा उठाइए, क्योंकि आप लोग का कांग्रेस नहीं उठाएगा तो हम लोग किसको, हाँ किसको आसाम में रहेगा? तो ये सारा इनजस्टिस हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये सारा चीज़ को रोकने के लिए आज ये हम लोग धरना आज बैठा है। तो ये सारा चीज़ें जब भी जब तक ये सॉल्व रिजॉल्व नहीं होगा, हम लोग धीरे धीरे ये सब मुद्दा ला के पब्लिक के बीच में लेके आएगा। थैंक यू।